कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तरह से स्कूल फीस वसूली के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर एक निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को ही राज्य में सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि लोग निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और नौकरी सरकारी खोजते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री से लेकर अधिकारी सभी के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तभी सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर लोगों का ध्यान जाएगा और उसमें सुधार होगा। सारे लोग चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे सरकारी काम करने वाला कोई है, आप सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा, निजी विद्यालय में पढ़ाएगा और नौकरी खोजेगा सरकारी। इसलिए हम इसको मैंने सभी से एक जानकारी कर ले हैं कि क्या इस तरह होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई फाइनल नहीं है कि ये करना है, सबसे विचार विमर्श किया जा रहा है। एक कर देने से एक तो सभी लोगों को नजर जाएगा विद्यालय पर, जो बच्चा पढ़ाएगा चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री को हो, यदि सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो थोड़ा सा ध्यान जाएगा कि मेरे बच्चे का वो स्कूल में पढ़ाई क्या हो रहा है, थोड़ा सा तो बढ़िया होगा, नज़र जाएगा लोगों को। अभी सरकारी विद्यालय पर तो लोगों को नज़र नहीं है, यहाँ ग्रामीण गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं, अपर लेवल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए सरकारी विद्यालय तरफ जाने के लिए ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम इस तरफ कार्यक्रम को हम सभी लोग से विचार कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में कुछ निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ गई कि सरकारी आदेशों को ठेंगे पर रखते हुए मनमानी तरीके से फीस की वसूली कर रहे हैं। इन्हें ना तो सरकार का भय है और ना ही बच्चों के भविष्य की चिंता, लेकिन इसके बावजूद निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए लंबी लाइन है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी लोगों का निजी विद्यालयों से मोह भंग होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।